खरगोन जिले के शेलदा एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट पर रोजगार नहीं मिलने से सिंगाजी कमेटी सालाखेड़ी के स्थानीय श्रमिकों द्वारा भूख हड़ताल की जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को अनुभागीय अधिकारी बड़वा, तहसीलदार सनावत, बेड़िया थाना और एनटीपीसी के महाप्रबंधक को दर्जन भर युवकों ने लिखित में ज्ञापन देकर चेतावनी दी है। सिंगाजी कमेटी के विजय यादव, कमल यादव, संदीप यादव ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा रोजगार नहीं दिया जा रहा है। भू प्रभावित होने के बावजूद स्थानीय लोगों को बिना सूचना के निकाल दिया गया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल करके हम मजबूर होंगे कि 11-12 मार्च को दो दिनी करीब 10 युवक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर 13 मार्च को हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एनटीपीसी का पूर्ण रूप से गेट बंद कर शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल करेंगे। सनावत से प्रभु दोगे की रिपोर्ट। आज हम ज्ञापन रोजगार के संबंध में आज प्रस्तुत कर रहे हैं और आज हमने बड़वाई में भी आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और साथ ही साथ आज बेड़िया थाना पे भी हमने आवेदन दे दिया है और हमारी मांगे हैं रोजगार के संबंध में। रोजगार मेन प्राथमिकता है और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है और हमारे कई मित्र साथी हैं जिनको काम कर रहे हैं उन्हें बिना किसी कारणवश आज काम से हटाया जा रहा है। हमारी बस मांग है रोजगार की, अगर हमें मिल जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ पे रोजगार आपकी मांग कर रहे हो आप? शेलदा पावर प्लांट। और कहाँ कहाँ पे ज्ञापन दिया है? आज हमने बड़वाई में ज्ञापन दे दिया है और साथ ही साथ बेड़िया पुलिस थाने पर भी दे दिया है। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी तो आप क्या करोगे आगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारे द्वारा भूख हड़ताल जैसे ऐतिहासिक कदम उठाया जा सकता है। अभी आप कब से भूख हड़ताल पे बैठोगे? 11, 12 और 13 तारीख के समीप हम भूख हड़ताल बैठेंगे। दो दिन की हमारी भूख हड़ताल होगी। अगर दो दिन के अंदर हमारी अगर मांगे नहीं पूरी की जाती तो 13 तारीख को पूर्ण रूप से गेट बंद करके हमारी मांगे शांतिपूर्ण रखेंगे। क्या शुभ नाम है? विजय यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।